हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए अपनी फैट बाइक। आज हम करने जा रहे हैं इसका रिव्यू। आज हम देखेंगे कि ये कैसी चलती है रोड पे। मैंने सुना है बहुत भारी चलती है और इसका ऑफ रोडिंग भी चेक करेंगे, ये ऑफ रोडिंग में कैसी है। तो चलो फिर मिलते हैं रोड। तो दोस्तों अब चेक करते हैं हम, ये है हमारा फर्स्ट वाले एंगल में, मतलब 4K में। अभी देखेंगे इसमें कैसी बनती है, फिर वाइड एंगल लगा के देखेंगे वाइड एंगल में कैसी बनती है। ये देख सकते हैं बफेलो। तो हम चेक करते हैं इसका वाइड एंगल, वाइड एंगल में देखते हैं कैसी बनती है। ये है इसका वाइड एंगल, आप बता सकते हैं वाइड एंगल में कैसी बनती है। मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आशा करते हैं अच्छी बन रही होगी। तो आप ये बताइए कि मतलब हम इसमें ब्लॉगिंग करेंगे तो कौन से एंगल में वीडियो बनाएं, वाइड एंगल सही रहेगा क्या, 4K सही रहेगा, 10K, 30 KPS। तो दोस्तों आपने रोड पे तो देख लिया होगा, हम आए देखिए सीधा नहर में। हम आपको इसकी आज ऑफ रोडिंग सीधा नहर में करके दिखाएंगे, आज तक किसी ने नहीं करी होगी नदी के अंदर ऑफ रोडिंग साइकिल से, वो भी तो हम करके दिखाएंगे, चेक करेंगे। हमने अभी तक करी नहीं है पर चेक करके बताएंगे आपको, दिखाएंगे सीधा कैसी रहती है। चलो दोस्तों, हमने आपको पत्थरों पे दिखाई थी चला के, तो हमें बहुत मजा आया, पता ही नहीं चला रोड पे चलने की पत्थरों पे। तो हमारा अभी मन नहीं भरा, तो अभी तक पानी के अंदर सूरने जा रहे हैं इसके अंदर हम, पानी के नदी के अंदर गहरा गड्ढा भी हो सकता है, तो हमें जूते उतारने होंगे पहले अपने। तो सीधा आपको दिखाते हैं पानी के अंदर, ये जूते रख दे मैंने साइड में, क्योंकि अब तक कितना गहरा हुआ हमें नहीं पता कौन से गड्ढे में चली जाए। चलो फिर रेल लाइट भी निकाल देता हूँ। तो दोस्तों आपने देखा है साइकिल हर जगह पर फिट है, हमने आपको ऑफ रोडिंग भी दिखाई और रोड पे भी चला के दिखाई। तो हमने प्लान कराया कि हम इस पर ब्लॉगिंग करेंगे, बाइक पे तो हर कोई ब्लॉगिंग करता है, हम करेंगे अपनी साइकिल पे। तो जब तक आप इस वीडियो पे लाइक करें, शेयर करें और दबा के इसे शेयर कर दें सारे में, और आप बताओ आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।